नवाब मलेरकोटला दीवान टोडरमल ते मोतीराम मेहरा यो तीन शख्सियतां ने जदों भी छोटे साहबजादे ते माता गुजर कौर जी की शहादत की गल चलेगी तां तिन्हां नूं जरूर याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाएगा की इन्हां दा इतिहास दे विच देण है आओ वेखदे हां। दोवें साहबजादां की शहादत तो बाद हर पासे हाहाकार मच गई ते हर एक की जबान ते सिर्फ इन्नी गल सी कि इन्ना जुलम ते कहर किवें कोई कमा सकता है। वजीर खां ने साहबजादियां नूं नीहां च चणवा के पाप कमाया अते अपने आप नूं धर्म के उल्ट होण दा सुनेहा दिता। मुगलों वल्लों अत्याचार की अत करदिआं होइआं मोती राम मेहरा जिन्हां ने साहबजादिआं नूं ठंडे बुरश दे विच दुद्ध पिया सी बारे पता लगन तों बाद परिवार समेत मोती राम मेहरा नूं चक्की दे विच पीड के शहीद करवा दिता। गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब दे विच अज वी उह गलास मौजूद ने जिन्हां गलासां दे विच छोटे साहबजादिआं नूं दुद्ध पिया गया सी। रहिंदी दुनिया तक मोती राम मेहरा का नाम सिख कौम हमेशा याद रखेगी। छोटे साहबजादे ते माता गुजरी जी का दाह संस्कार करन दे लई दीवान टोडरमल जो कि एक सुनियारा सी नवाब वजीर खां दे कोल पेश होया अते उसने नवाब नूं छोटे साहबजादे अते माता गुजरी जी दे दाह संस्कार करन दी इजाजत मंगी। लालची वजीर खां नूं पता सी कि दीवान टोडरमल बहुत धनी है। वजीर खां ने दीवान टोडरमल नूं कहा कि जिन्नी जमीन उसनूं चाहीदी है दा संस्कार दे लई उह उन्नी जमीन ते मोहरां विछा देवे ते मोहरां वी खड़ियां करके। दीवान टोडरमल ने वजीर खां दी गल स्वीकार कर ली ते इस जमीन नूं खरीदण लई दीवान टोडरमल ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता जिथे अजकल गुरद्वारा ज्योति सरूप स्थित है। इस धरती नूं दुनिया दी सब तों महंगी धरती होण दा माण वी प्राप्त है जिसनों दीवान टोडरमल ने खरीदा। अज भी लोग दीवान टोडरमल की कुर्बानी से कुर्बान जाते हैं।